हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल। स्वागत है आपका आरोहण में। नेक्स्ट वी सी दी लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। सो फर्स्ट नेक्स्ट विल सी दी लीनियर सर्किट या लीनियर एलिमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। सो लीनियर सर्किट कौन सा सर्किट होता है? ए लीनियर सर्किट वी कैन डिफाइन इज ए सर्किट वेयर इट्स पैरामीटर डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और करेंट और ओबेज द ओम्स लॉ। ये मैंने क्या डिफाइन किया कि लीनियर सर्किट वो सर्किट होगा जिसके जो पैरामीटर हैं द पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट वी कैन से डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डज नॉट वेरी और वी कैन डिफाइन डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और करेंट एंड ओबेज ओम्स लॉ। कहने का मतलब ये है कि लीनियर सर्किट वो सर्किट होगा जिसके पैरामीटर जो होंगे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे और जो भी पैरामीटर्स है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा यदि हम वेरी करेंगे वोल्टेज और करेंट। और साथ ही साथ लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है या लीनियर एलिमेंट्स वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में, व्हाट इज द ओम्स लॉ। अभी आप ध्यान रखिए कि लीनियर सर्किट फॉलोज द ओम्स लॉ, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि यदि वो सर्किट जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है यदि वो लीनियर है तो जो सर्किट ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर सर्किट। सो वी कैन डिफाइन द नॉन लीनियर सर्किट। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर सकते हैं कि विच डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ, नॉन लीनियर सर्किट वो सर्किट होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसके पैरामीटर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो ए चेंजेबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और द पैरामीटर्स कैन बी वेरी विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और करेंट वेरिएशंस। तो ये है हमारा लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के बारे में। तो कभी भी मान लीजिए यदि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, तो आप बिल्कुल क्लियर डिफाइन कीजिए कि लीनियर सर्किट इज अ सर्किट हुज पैरामीटर डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और करेंट एंड ओबेज द ओम्स लॉ। इसको बिल्कुल हाईलाइट कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वी कैन डिफाइन ए नॉन लीनियर सर्किट इज ए सर्किट हुज पैरामीटर मे चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वोल्टेज और करेंट वेरिएशन एंड डज नॉट ओबेज द ओम्स लॉ, ठीक है। दिस इज अबाउट द लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिगार्डिंग द यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल बाइलैटरल सर्किट। ये बाइलेटरल क्या होता है? बाई मतलब फर्स्ट समझ में आ रहा है आपको, बाइलेटरल एक वर्ड है यहाँ पास और एक होता है यूनिलैटरल। ये क्या है हमारा? यूनिलैटरल सर्किट। सो व्हाट इज द बाइलेटरल सर्किट? बाइलेटरल सर्किट इज अ सर्किट हुज प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इज रिमेन सेम इन आइदर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा बाइलेटरल सर्किट होता है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा वो जो होगा वो बोथ डायरेक्शंस में, इन द बोथ डायरेक्शंस यदि हम बात करें, बोथ डायरेक्शन इज रिमेन सेम। तो प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाइलेटरल सर्किट्स की होती हैं वो आइदर डायरेक्शन में सेम होती हैं। इसका मतलब क्या कि यदि मान लीजिए किसी सर्किट में
जैसे यहाँ पर यदि हम इस सर्किट के बारे में बात करें तो ये जो रेजिस्टेंसेस है, यदि करंट यहाँ पर 1 से 2 जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस का जो भी बिहेवियर होगा, यदि इस करंट को मैं चेंज कर दूँ 2 से 1 कर दूँ, तो यहाँ पर जो करंट है ये 1 से 2 जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से हो गया, 2 से 1 हो गया। तो चाहे डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा 1 से 2 जाए या 2 से 1 जाए, इस सर्किट के एलिमेंट के बिहेवियर पर कोई चेंजेस नहीं होगा। There is no change in on its behavior, either the direction of the current will be there. ठीक है, तो यही है हमारा bilateral circuit. Bilateral circuit का एक बहुत अच्छा example हम denote करते हैं, that is our transmission line. Transmission line is a very good example of bilateral circuit. Transmission line, जैसे हमने अपने घरों के आसपास देखा हुआ है, distribution line also we knows that there is a transmission line. Transmission lines में हम किसी भी direction में current flow करें, उसके जो elements है उसमें कोई changes नहीं होता, मतलब उसका जो behavior है उसमें कोई भी changes नहीं, that is remain same will be there. Also जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग घर में वायर्स यूज़ करते हैं, आपने कभी ना कभी कोई वायर कहीं पर कनेक्ट किया होगा, तो वायर को जैसे मैंने एक सिंपल, यदि ये कोई वायर है, आप वायर को चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट कहीं से भी दो, उसका बिहेवियर नहीं बदलेगा, बिकॉज दैट विल जस्ट अलाउ टू पासेस द करेंट. ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द बायलैटरल सर्किट. तो यूनिलैटरल सर्किट क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट. तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डायरेक्शन के साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पर चेंज हो जाएगा, दैट विल बी चेंज. सो वी कैन डिफाइन ए यूनिलैटरल सर्किट इज अ सर्किट हुज बिहेवियर और प्रॉपर्टी विल चेंजेस आइदर द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, सो यहाँ पर जो भी हमारा सर्किट होगा उसका क्या हो जाएगा, बिहेवियर विल बी चेंजेस. फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें तो जो भी हमारे सेमी कंडक्टर एलिमेंट्स हैं, लाइक हम बात करते हैं डायोड, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, तो ये एटसेट्रा, दिस आर दी सम एलिमेंट्स जिसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. मतलब यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देंगे तो जो इसका ऑपरेशन होगा वो बदल जाता है. ठीक है, तो दिस इज वी डिफाइन दी यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल. आपको कभी भी माइंड से ये पॉइंट स्कीप हो कि भाई कौन सा सर्किट ऐसा है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से उसकी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पे कोई डिफरेंसेस नहीं होता, तो आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर डिफाइन किया हुआ यूनिलैटरल और यहाँ डिफाइन किया बाई. बाई मतलब होता है बोथ, यूनि मतलब ऑन द वन साइडेड, तो बोथ साइड में, जब बोथ साइड में सेम बिहेवियर है तो बाइलैटरल, अब एक साइड में सेम बिहेवियर है नेक्स्ट साइड में डिफरेंट बिहेवियर हो गया तो यूनिलैटरल. ठीक है, सो हमको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. ओके, सो व्हाट इज बाइलैटरल, वी कैन डिफाइन बाइलैटरल इज ए बाइलैटरल सर्किट इज अ सर्किट हुज पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज इन आइदर डायरेक्शन, बट यूनिलैटरल सर्किट दैट विल बी चेंजेस. ओके, तो दिस इज अबाउट द बाइलैटरल यूनिलैटरल. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, 2 मार्क्स में कई बार पूछा हुआ है ये. जब भी आपको एग्जामिनेशन में आए आप इसका डेफिनेशन डिफाइन कीजिए वहाँ पर, और एक एग्जांपल लिख देंगे कि बायलैटरल सर्किट का एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन है और यूनिलैटरल सर्किट का एग्जांपल डायोड ट्रांजिस्टर है, तो डेफिनेटली यू विल गेट टू मार्क्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट विल सी दी नेक्स्ट पैरामीटर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर. ओके.